हेलो दोस्तों, आज हम इट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि हॉरर से भरपूर है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंडी मुंसी एली ने और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी फेमस राइटर गैरी डबरमैन ने लिखी है। बात कर ले इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 7.3 आउट ऑफ 10 स्टार है जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। और इस मूवी के अंदर एक पेनीवाइज नाम का जोकर होता है जो कि सभी बच्चों को रहस्यमय तरीके से गायब कर रहा होता है। और पेनीवाइज ऐसा क्यों करता है इसका जवाब तो हमें वीडियो में ही मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1988 में डेरी टाउन को दिखाते हुए। यहीं पर एक घर के अंदर दो भाई बिल और जॉर्जी होते हैं। बिल अपने छोटे भाई को एक पेपर का नाव बनाकर देता है, इसे लेकर जॉर्जी बाहर जाता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है, जिसमें वो अपने नाव से खेलने लगता है और उसकी नाव बहते बहते वहाँ के एक सीवर के अंदर चली जाती है। जॉर्जी उस सीवर के अंदर देखता है जिसके अंदर उसे एक जोकर दिखता है जो कि अपना नाम पेनीवाइज एक डांसिंग जोकर बताता है। और वो जॉर्जी से मीठी मीठी बातें करने लगता है और वो उसे उसका नाम वापस देने के लिए कहता है। जैसे ही जॉर्जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है वैसे ही उस पेनीवाइज के सैकड़ों दांत बाहर आते हैं और जॉर्जी के हाथ को काट लेते हैं और देखते ही देखते जॉर्जी को सीवर के अंदर खींच लेता है। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट में जून 1989 का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक माइक नाम का लड़का बेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन उसके दादा उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करते हैं क्योंकि ये इनका फैमिली बिजनेस है। अगले सीन में हम एक स्कूल को देखते हैं जिसमें कि आज स्कूल का लास्ट दिन होता है। इस स्कूल में चार बच्चों का एक ग्रुप होता है जिसमें एडी, स्टैनली, रिची और इन सबका लीडर बिल होता है जिसका छोटा भाई जॉर्जी एक साल पहले ही मिसिंग हो गया था। फिर सभी लोग मिलकर अपनी छुट्टियां कैसे बिताते हैं इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और हम स्कूल के बाहर एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती है और उसकी बेटी 3 हफ्ते पहले ही मिसिंग हो गई थी। फिर इन बच्चों के सामने इनका सीनियर हेनरी आता है अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इन्हें काफी सताते रहते हैं, इसलिए बिल ने अपने ग्रुप का नाम लूजर रखा होता है। फिर हम दो कैरेक्टर बेन और बेवलिन को देखते हैं। बेन इस शहर में काफी नया होता है इसलिए उसे इस शहर के बारे में कुछ खास पता नहीं होता है, लेकिन बेवलिन इसी शहर की होती है जो कि उसकी अच्छी फ्रेंड होती है। इसके बाद बिल अपने घर पर जाता है जहां वो अपने पिता के ऑफिस में इस शहर के सीवर का डायग्राम बनाया होता है और वो सीवर से बहकर कहीं फंसा हुआ होगा। लेकिन उसके पिता उसे किसी तरह समझाते हैं कि जॉर्जी अब उनके बीच में नहीं है, यानी वो अब तक मर चुका होगा। फिर यहाँ से शुरू होता है इनके डर का सामना। पहले तो माइक की बारी आती है, वह एक शॉप में मीट डिलीवर करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे एक घर के अंदर आग लगी हुई दिखाई देती है जिसमे की बहुत सारे जले हुए हाथ बाहर आते हैं। इसके बाद स्टैनली की बारी आती है, वह अपने धर्म यानी इस्लाम धर्म के एक बुक के रवाया को पढ़ रहा होता है लेकिन वो सही से उसे रीड नहीं कर पाता है तो उसके पिता उससे कहते हैं कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा और वो इस बुक को अपने ऑफिस में रखने के लिए कहते हैं। फिर स्टैनली उस बुक को रखने के लिए उनके ऑफिस में जाता है जहाँ पर एक दीवार पर पेंटिंग टंगी होती है जिससे वो डरता रहता है। तभी वो देखता है कि उस पेंटिंग में से औरत गायब है जिससे वो थोड़ा डरने लगता है। तभी वो अचानक से उसके सामने आ जाती है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से किसी तरह बाहर भाग जाता है। इसके बाद बारी आती है बेन की जो कि लाइब्रेरी में होता है और वो इस शहर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और उसे एक बुक से पता चलता है कि 1908 में डेरी टाउन में काफी बुरी आग लग गई थी जिसमें कि काफी ज्यादा लोग जलकर मर गए थे। फिर कुछ लोगों ने यानी 91 लोगों ने इस शहर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की लेकिन थोड़े दिन बाद सभी लोग अचानक से गायब हो गए, सिर्फ उनके कपड़े मिले जो कि खून में लथपथे हैं। तभी बेन को वहाँ पर एक बैलून दिखता है जिसका वो पीछा करते करते नीचे लाइब्रेरी में पहुँच जाता है। तभी अचानक से उसकी तरफ एक बिना सर का बच्चा दौड़ने लगता है जिससे वो काफी डर जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। बेन जैसे ही बाहर निकलता है उसे हेनरी पकड़ लेता है। फिर हेनरी उसे टॉर्चर करने लगता है। हेनरी उसके शरीर पर अपना नाम लिखना चाहता है। हेनरी बेन के पेट पे H लिख देता है जिससे बेन को काफी दर्द होता है और वो हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन उसका वहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं करता। फिर बेन हेनरी को एक लात मारकर नीचे खाई में गिर जाता है जिससे कि हेनरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बेन को जान से मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन इन सब के चक्कर में उसका नाइफ कहीं पर गिर जाता है जो कि नहीं मिलता है और हेनरी के दो फ्रेंड बेन को पकड़ने के लिए आगे जाते हैं लेकिन बेन उनसे बचकर किसी तरह वहां से बाहर भाग जाता है। फिर पैट्रिक को एक आवाज सुनाई देती है जो कि सीवर के अंदर से आ रही होती है। उसे लगता है कि उसके अंदर बेन है जिसे ढूंढने के लिए वह अंदर जाता है। आगे बढ़ने पर उसे वही पेनीवाइज दिखता है जो कि उसे मार देता है। अगले सीन में बेन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है तभी उसके पास लूजर ग्रुप आता है जो कि उसे देखता है
और वो ग्रुप देखता है कि बेन की हालत काफी खराब है। फिर सभी मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लोग दवाइयां और बैंडेज को लेते हैं, लेकिन इनके पास पैसे कम पड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर बेवलिन आ जाती है जो कि इनकी मदद करती है। फिर सभी लोग मिलकर बेन के बैंडेज करते हैं, तभी वहां पर बेवलिन आ जाती है और वो कहती है कि क्या तुम लोगों को सही से बैंडेज करने आता है। और बेवलिन भी लूजर ग्रुप में शामिल हो जाती है। फिर बेवलिन अपने घर पर आती है जहाँ पर उसके पिता उसके साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं और उसके पिता उसे अजीब तरीके से टच करते हैं और उसके बालों को सहलाते हैं, जिससे बेवलिन को लगता है कि उसके पिता उसका मिसयूज करेंगे। इसलिए वो बाथरूम में जाती है और अपने सारे बाल को काट कर वॉश बेसिन में फ्लश करके बहा देती है। अगली सुबह लूजर ग्रुप एक लेक के पास होता है जहाँ पर सभी लोग मस्ती करने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर बेवलिन भी आकर उन्हें ज्वाइन करती है। फिर सभी लोग मिलकर उस झील में काफी इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पर बेन के बैग में एक बुक मिलती है जिसमें कि बेन ने इस शहर के बारे में काफी रिसर्च किया होता है। बेन उन्हें सब कुछ बताता है और सभी को लेकर अपने घर जाता है जहाँ पर उसने अपने रूम को एक रिसर्च रूम बनाकर रखा होता है। फिर बेन सभी को बताता है कि इस शहर में आम शहरों के मुकाबले बहुत से लोग गायब हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। अधिकतर बच्चे यहाँ पर मिसिंग हो जाते हैं। तभी एडी कहता है कि उसे घर जाना होगा, नहीं तो उसकी माँ उसे बहुत बोलेगी, और वो अपने घर वापस आने के लिए एक सुनसान रोड को चुनता है। आगे बढ़ने पर उसकी घड़ी का अलार्म बजता है जो कि उसकी दवाई लेने का टाइम होता है, और ठीक उसके सामने एक काफी पुराना घर होता है जो कि खंडहर जैसा होता है। तभी वो अपनी दवाइयाँ लेता है लेकिन उसकी दवाइयाँ नीचे गिर जाती है जिसे वो उठाने लगता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही बीमार आदमी आता है जो कि उसे मारने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और उससे अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और वो इसी बीच पेनीवाइज को भी उस घर के बाहर देखता है, लेकिन वो किसी तरह वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में बेवलिन अपने बाथरूम में होती है जहाँ पर उसे उसी वॉश बेसिन के अंदर से कई लोगों की आवाज आती है जो कि बेवलिन को अपने पास बुला रहे होते हैं। तो बेवलिन उस वॉश बेसिन के पास जाती है जिसमें वो मेजर टेप डालकर चेक करती है, लेकिन पाइप आगे ब्लॉक होता है और उसके मेजर टेप में उसके बाल फंसे होते हैं जो कि खून में लथपथ होते हैं। तभी उस वॉश बेसिन में से ब्लड निकलने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलता है जिससे उसका बाथरूम पूरी तरह से लाल हो जाता है। और उसकी आवाज सुनकर उसके पिता आते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, बेवलिन तुम क्यों चिल्ला रही हो। तो बेवलिन कहते हैं कि क्या आपको यहाँ पर ब्लड नहीं दिख रहा है, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इसके बाद बारी आती है बिल की जो कि अपने घर पर होता है जहाँ पर उसे नीचे बेसमेंट में से जॉर्जी की आवाज आती है और वो जाकर देखता है तो वहाँ पर सच में जॉर्जी होता है जो कि उससे बात करता है और अपने साथ तैरने के लिए कहता है, और उसकी आवाज धीरे धीरे डिमोनिक होती चली जाती है। तभी पानी के अंदर से पेनीवाइज बाहर निकलता है जो कि बिल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मौका रहते ही बिल वहाँ से भाग निकलता है। अगली सुबह बेवलिन सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है और उन्हें सब कुछ बताती है और उन्हें अपना बाथरूम भी दिखाती है जो कि पूरी तरह से ब्लड से रंगा हुआ था। बेवलिन सभी को बताती है कि ये सब उसके पिता को नहीं दिखा था। फिर सभी लोग मिलकर उसके बाथरूम को क्लीन करते हैं जिसमें काफी लंबा वक्त लगता है। फिर सभी फ्रेंड वहाँ से बाहर आते हैं और वो अपने अपने बारे में डिस्कस करने लगते हैं। फिर सभी लोग मिलकर अपने अपने एक्सीडेंट के बारे में बताने लगते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि सबके साथ कुछ न कुछ हुआ है, यानी जो भी इनके साथ हो रहा है वो सपना नहीं बल्कि ये हकीकत है। तभी उन्हें वहाँ पर हैंडी की गाड़ी और माइक का साइकिल दिखता है तो सभी लोग उस तरफ जाते हैं। आगे जाने पर माइक को हैंडी मार रहा होता है और उसे कच्चा मीट खाने के लिए कहता है। तभी उन पर लूजर ग्रुप पत्थरों से हमला कर देता है और माइक को बचा लेता है। बदले में हैंडी भी उन पर पत्थरों से वार करता है, लेकिन इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है तो हैंडी उसे हार मान जाता है और कर वापस चला जाता है। और अब लूजर ग्रुप में माइक भी शामिल हो जाता है। तभी बेन सभी को बताता है कि उसे लगता है कि ये सारी घटनाएं ठीक 27 साल के बाद वापस दोहराई जाती है। सबसे पहले 1908 में इस पूरे शहर में आग लग गई थी और ठीक उसके 27 साल बाद यानी 1935 में 91 लोगों की जान चली गई थी। फिर उसके 27 साल बाद यानी 1962 में कई लोग लापता हो गए थे और अब फिर से यही सब रिपीट हो रहा है, यानी इस वक्त 1989 में काफी बच्चे गायब हो रहे हैं और इन सबके पीछे रीजन क्या है। कोई तो होगा जो 27 साल बाद जागता है और सभी को गायब करने लगता है। फिर वो शांत होकर 27 साल के लिए चला जाता है। फिर बेन अपने घर से सारा डायग्राम लेकर बिल के गैराज में पहुंचता है और उन्हें एक प्रोजेक्टर पर जोड़ता है जिससे इन्हें पता चलता है कि इस शहर के सारे सीवर एक ही पॉइंट पर जाकर मिलते हैं जो कि एक खंडहर घर के अंदर होता है और उस घर के अंदर एक कुआं है जिसमें कि सारे सीवर लाइन उसी कुएं के अंदर है। तभी उनके प्रोजेक्टर का फोटो अपने आप ही चेंज होने लगता है जिसमें कि पेनी
डिवाइस दिखता है और वो धीरे धीरे उस प्रोजेक्टर से बाहर आ जाता है और सभी को मारने की कोशिश करने लगता है। पेनीवाइज को इस बार सभी लोगों ने अपने आंखों से देख लिया होता है और उस पेनीवाइज से सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उस पेनीवाइज से किसी तरह अपना जान छुड़ाकर बाहर निकल जाते हैं। फिर सभी लोग तय करते हैं कि उन्हें पता लगाना है कि इन सबके पीछे कौन है। फिर सभी लोग उस पुराने घर के पास जाते हैं और उसके घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही इनके साथ अजीबोगरीब हरकतें होने लगती है, जैसे कि एडी को वही बीमारी वाला आदमी फिर से दिखता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। ऋषि को पेनीवाइज दिखता है जो कि उसे बहुत ही डरा देता है और बिल को यहाँ पर जॉर्जी दिखता है जो कि उसके मुंह से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। नीचे एडी गिरा होता है जिसका एक हाथ टूटा होता है, तभी उसके सामने पेनीवाइज आ जाता है और वो कहता है कि डर का स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है और वो उसे खाने वाला होता है। तभी वहाँ पर बिल और रिची आ जाते हैं और पेनीवाइज के आग के अंदर बेवलिन एक राड को घुसा देती है, इससे पेनीवाइज जख्मी हो जाता है और वो डर कर उसी कुएं में वापस चला जाता है और उसे जाते हुए बिल देख लेता है। फिर सभी लोग वहाँ से बाहर आते हैं जहाँ पर एडी की माँ होती है जो कि एडी को अपने साथ लेकर सभी को उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर बिल सभी को बताता है कि उसने कुआं देख लिया है, अगली बार ये सभी लोग प्रिपेयर होके आएंगे, लेकिन इस बार उसकी बात कोई नहीं मानता है और सभी में तकरार हो जाता है और यहाँ से सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। अगले सीन में हैनरी अपने पिता की गन से खेल रहा होता है जो कि पुलिस में होते हैं, तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं जो कि हैनरी को अच्छा खासा सुना देते हैं और उनकी बात सुनकर हैनरी को अपने पिता पर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी उसे अपने पोस्ट यार्ड में एक बैलून दिखता है और वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बॉक्स के अंदर उसके नाइफ होता है जो कि उससे कहीं गुम हो गया होता है। जैसे हैनरी उस नाइफ को लेता है वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है और पेनीवाइज उसे फोर्स करने लगता है कि वो अपने पिता को मार डाले और वो ऐसा ही करता है। वो अपने पिता के पास जाता है और उस नाइफ से उन्हें मार देता है। अगले सीन में बेवलिन अपने घर पर होती है जहाँ पर उसके पिता उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं, जिससे वो बचकर बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन उसके पिता वहाँ पर भी आ जाते हैं, लेकिन बेवलिन उन्हें किसी तरह मारकर बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पर पेनीवाइज उसके सामने आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिल भी आता है और वो देखता है कि बेवलिन के पिता की मृत्यु हो गई है और बेवलिन को पेनीवाइज ले गया है, तो वो जल्दी से सभी दोस्तों के पास जाता है और सभी दोस्तों को बताता है कि बेवलिन को पेनीवाइज ले गया है और वो लूजर ग्रुप को इकट्ठा करता है। फिर लूजर ग्रुप मिलकर बेवलिन को बचाने के लिए उस घर के पास जाते हैं। इस बार सभी लोग पूरी तैयारी से आए होते हैं। फिर सभी फ्रेंड कर उस खंडहर के अंदर जाते हैं और उन्हें अंदर जाते हुए बाहर से हैनरी देख रहा होता है। अंदर सभी लोग उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं जहां पर अंदर जाने के लिए एक रस्सी का सहारा लेते हैं। इसी बीच बेवलिन होश में आ जाती है और वो देखती है कि वो उसी गटर के अंदर है जहां पर लापता लोग हवा में तैर रहे होते हैं, जिससे वो थोड़ा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी पेनीवाइज उसके सामने आ जाता है जो कि बेवलिन को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बेवलिन हिम्मत करती है और कहती है कि वो उससे नहीं डरती है। तो पेनीवाइज उसे डराने के लिए अपना मुंह खोलता है जिसके अंदर 3 ऑरेंज लाइट होती है और बहुत सारी सोल उसके अंदर कैद होती है, जिसे देखकर वो पैरालाइज हो जाती है और वो अभी हवा में तैरने लगती है। दूसरी तरफ सभी लोग उस कुएं के अंदर आ गए होते हैं, सिर्फ माइक ऊपर बचा होता है। तभी वहाँ पर हैनरी आ जाता है जो कि माइक को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन माइक उसका किसी तरह सामना करता है और उसे मारकर उसी कुएं के अंदर ढकेल देता है। फिर माइक अपने गन को लोड करने लगता है, तभी उसकी गोलियां नीचे गिर जाती है। फिर सभी लोग एक साथ हो जाते हैं। इसी बीच में स्टैनली वहां से गायब हो जाता है और वो अकेला हो जाता है। उसे वही पेंटिंग वाली औरत आकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है और उसे खाने वाली होती है। तभी उसे ढूंढते ढूंढते उसके बाकी फ्रेंड उसके पास पहुंच जाते हैं और वो पेंटिंग वाली औरत उनसे डर कर भाग जाती है। फिर सभी लोग बेवलिन के पास पहुंच जाते हैं जहां पर लापता लोगों के साथ बेवलिन भी तैर रही होती है। फिर सभी लोग मिलकर उसे नीचे उतारते हैं और उसे किसी तरह होश में आते हैं। तभी बिल को यहाँ पर जॉर्जी दिखता है जिसके एक हाथ में वही कागज का नाव होता है और उसका दूसरा हाथ कटा हुआ होता है। जॉर्जी बिल से बात करता है और रोने लगता है, लेकिन जल्द ही बिल को पता चल जाता है कि वो असली जॉर्जी नहीं है और उसे गन से शूट कर देता है। तभी पेनीवाइज अपने असली रूप में आता है और वो सभी को एक एक करके मारने लगता है और पेनीवाइज यहाँ पर अपना क्षण प्रतिक्षण अपना रूप बदलता रहता है और सभी बच्चों को डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सभी बच्चे उसे डर का सामना
सामना करते हैं। तभी एक वक्त ऐसा आता है कि पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और सभी बच्चों से कहता है कि तुम लोग मुझे इसे दे दो, मैं इसे खाकर सोने के लिए चला जाऊंगा और फिर मैं 27 साल बाद आऊंगा, जिससे कि तुम लोग काफी बड़े हो जाओगे और तुम सभी तभी मरोगे तब तुम्हें बुढ़ापा तुम्हें मारेगा। लेकिन सभी फ्रेंड पेनीवाइज की बात को नहीं मानते हैं और उसका मुकाबला करने लगते हैं। फिर सभी मिलकर पेनीवाइज को काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं, जिससे पेनीवाइज काफी जख्मी हो जाता है और पेनीवाइज उनसे उल्टा ही डरने लगता है। और पेनीवाइज समझ जाता है कि वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, जिससे वो डर कर उसी कुएं के अंदर भाग जाता है। और इस तरह इन बच्चों की छुट्टियां काफी एक्शन पैक रहती है। फिर सभी लोग वहाँ से बाहर आते हैं। अगले सीन में लूजर ग्रुप ब्लड प्रॉमिस करते हैं अगर 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आया तो सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। और इसी के साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी इट मूवी की स्टोरी। अगर आप सभी को इसका अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका अगला पार्ट लाऊंगा। अब बात कर ले पेनीवाइज के बारे में। तो पेनीवाइज सभी को मारकर उन्हें खाता है और वह यही हजारों सालों से करता आ रहा है। जब उसका पेट भर जाता है तो वह 27 साल के लिए सोने के लिए चला जाता है। फिर वह 27 साल बाद वापस आता है और वो अपने विक्टिम को पहले बहुत डराता है, जिससे उसका भोजन काफी टेस्टी हो जाता है। और वो बेवलिन को इसलिए नहीं मार पाता है क्योंकि बेवलिन आखिरी वक्त तक उससे नहीं डरती है। और पेनीवाइज सभी को अकेला ही मारता है, वो ग्रुप का सामना नहीं कर पाता है, जिससे वो डरकर वापस भाग गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।